Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 4. Study success series में पढ़ाई में कामयाबी के असूल. इस series में हम lecture study कर रहे हैं और आज के lecture में हम समझेंगे कि किस तरह से paper preparation होती है. क्योंकि हर student paper देने होते हैं और paper को prepare कैसे करना है, किस तरह से हमने pre-paper preparation यानी हमने सुबह हमारा पेपर है तो हम क्या एक्टिविटीज करेंगे और पेपर की प्रिपरेशन हम किस तरह से करेंगे, तो आए शुरू करते हैं. एज यू नो कि हम लास्ट लेक्चर्स में और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि मजामीन में किस तरह से दिलचस्पी पैदा की जाए. फिर हमने देखा कि स्टडी का मेथड क्या है और उसके लिए हमने प्रॉपर प्लेस कैसे डिफ़ाइन करनी है, फिर किस तरह ये रोल प्ले करती है आपकी स्टडी में, और फिर डेली वर्क किस तरह से इंसान कर सकता है और मोटिवेशंस क्या हैं कि जिसके बगैर हम स्टडी नहीं कर सकेंगे. ये हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी किया. और थर्ड लेक्चर में हमने देखा पार्ट वन पार्ट टू में कि ये KWL स्टडी टेक्निक क्या होती है, माइंड मैप क्या है और SQ3R क्या है, ताकि हम क्रैमिंग ना करें, रट्टा ना मारें, बल्कि हम की पॉइंट्स पर मेहनत करें और की पॉइंट्स पर हम फोकस करें. ये चीज़ें कर लेने के बाद आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्री पेपर इंस्ट्रक्शंस. यानी ये क्या है कि व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स टू डू बिफोर गोइंग टू टेक एग्ज़ाम. यानी हमने पेपर देने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है. कल हमारा पेपर है तो आज रात हम क्या करेंगे, या कल हमारा पेपर है तो आज का दिन हम क्या करेंगे. तो आए स्टडी करते हैं इन चीज़ों को. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट पेपर पैटर्न. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस पेपर को आप देने जा रहे हो आपको ये तो पता हो ना कि वो किस तरह से आपसे सवालात करेंगे. उसमें MCQs कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, शार्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और किस किस्म के आएंगे, उनके आंसर आपने कितने वॉल्यूम में देने हैं यानी कितनी लाइनों में उसका जवाब आपने देना है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं, कितने नंबर के आएंगे, आपने उन्हें किस तरह से अटैम्प्ट करना है. सो यू शुड नो अबाउट पेपर पैटर्न. ये बात याद रखें कि पेपर पैटर्न आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा. जब आप अपनी बुक को ख़त्म कर लेते हैं तो बाद में रिविजन्स करते हैं, उन रिविजन्स में आप जो पास्ट पेपर्स हैं उनको ज़रूर स्टडी करें. पास्ट पेपर्स जो पहले हो चुके हैं पिछले ईयर के या उससे लास्ट ईयर के, इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर किस तरह से आता है. तो पास्ट पेपर्स को ज़रूर स्टडी करें, उससे आप पेपर पैटर्न को जान पाएंगे. सबसे पहला काम तो ये करना है, यानी ये तो पहले करने वाला काम है. तो कल पेपर है तो आज हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम ये पहले से कर चुके होंगे जो हमने रिविजन्स करनी है. हमने देखा कि स्टडी हमने कैसे करना है, तो स्टडी के बाद जब हमने रिविजन्स करनी है उसमें हमने ये चीज़ को फाइंड करना है कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न. आफ्टर दैट प्रिपेयर योर ट्रांसपेरेंट पाउच एट नाइट. अब हम आ जाते हैं पेपर से एक रात पहले और एक दिन पहले पे. इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सुबह पेपर है तो आप ये नहीं सोचेंगे ठीक है मैं सुबह तैयारी कर लूँगा अपने ड्रेस की और अपने पेंसिल्स को ढूंढ लूँगा, ऐसे नहीं है. आपने रात को ही एक पाउच लेना है और वो ट्रांसपेरेंट हो. ये बात समझिए कि जो बोर्ड वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट पाउच को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए कि उसमें से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो फिर वो चीटिंग का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है. तो ये आपने रात को ही तैयार कर लेना है. उस पाउच में आप क्या रखेंगे, उसमें आप ब्लू पॉइंटर रखेंगे और ब्लू मार्कर रखेंगे, स्केल रखेंगे मार्जिन लगाने के लिए, ब्लैक पॉइंटर रखेंगे हेडिंग्स के लिए, कैलकुलेटर रखेंगे अगर मैथ का पेपर है, या जैसे आपको पता लॉगरिथम टेबल होता है, अमूमन आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उनके अंदर ही ये सब कुछ होता है. तो और कोई ज्योमेट्री टाइप चीज़ लेनी है तो वो आप रखेंगे उसमें, और रोल नंबर स्लिप आप साथ रखेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और बोर्ड के जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, वो रोल नंबर स्लिप साथ रखेंगे. और कोशिश करेंगे ये जो ब्लू पॉइंटर है ये एक नहीं होना चाहिए, ये दो पीस होने चाहिए, कम से कम दो तीन पीस रखें. मार्कर के दो पीस रखें, स्केल एक ही बड़ा है, ब्लैक पॉइंटर के दो पीस रखें. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन यूज़ द अनदर, दूसरा इस्तेमाल बंदा कर सकता है अगर ये ख़राब हो जाए. तो ये आपने ट्रांसपेरेंट पाउच एक बंदोबस्त कर लेना है और आपने उसमें ये चीज़ें रख लेनी है, रात को ही रख लेनी है, और ड्रेस और अपने जो शूज़ हैं वो रात को रेडी कर लेने हैं और ज़हन रखना है कि ठीक है भाई नाउ आई एम रेडी टू टेक द एग्ज़ाम.
अच्छा, अब ये बात है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 6 आवर्स स्लीप। यहाँ ये बात समझें कि अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि या तो वो पेपर का प्रेशर लेते ही नहीं, वो कहते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, पास होंगे तो ठीक है, फेल होंगे तो ठीक है, यानी कि वो इतनी केयर नहीं करते अपनी स्टडी को लेके। ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल होते हैं और वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इवन उनको नींद नहीं आती, वो किताब सामने रख लेते हैं और कहते हैं हमने अब इसको बस पढ़ते रहना है, सुबह पेपर आ गया, सुबह पेपर आ गया, परेशान होते रहते हैं। तो ये बात समझिए कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। आपने प्रेशर लेना है और आपने उस प्रेशर को रिजॉल्व करना है स्टडी करके, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ आए हैं। और इतना प्रेशर भी नहीं आपने लेना कि आपको नींद ही ना आए और स्ट्रेस का शिकार हो जाए। देखिए, अगर आप रात को सही तरह सोएंगे नहीं तो हाउ कैन यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम प्रॉपरली, किस तरह से आप पेपर में एक्टिव रह पाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। लिहाजा आपने कम से कम 6 घंटे रात को ज़रूर सोना है और रिलैक्स होकर सोएं, क्योंकि जो आपने सारा साल पढ़ा है उसका पेपर है। अभी जो रात जो आपने पढ़ना है वो तो इतना कुछ तो आपके दिमाग में नहीं ना वो जाना, और नहीं सब कुछ आपको याद रहना। सो कम से कम 6 घंटे सोना ज़रूरी है। गेट फ्रेश एंड ऑफर प्रेयर, कोशिश करें सुबह उठें और अगर मौसम इजाज़त दे तो आप बाथ लें, नहाएं और नमाज अदा करें, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें अच्छे पेपर की, और उसके बाद आपने रिवाइज करना है की पॉइंट्स को। अब ये ख़ास बात समझनी है कि इतनी मोटी किताब अगर क्रैमिंग से आपने रट्टा मार के याद की हुई है तो वो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे पेपर से पहले, यार मैं इतना कुछ कैसे याद करूं, अब ये भी क्वेश्चन करूं, ये भी याद करूं, ये भी मुझ से नहीं होता, स्ट्रेस का शिकार होंगे, परेशान होंगे। रिवाइज ओनली की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी लामा इकबाल के मज़मून में, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मज़मून याद किया हुआ है हॉस्टल लाइफ का, ठीक है, या और कुछ इस तरह की चीज़ याद की हुई है, तो देखें जो हॉस्टल लाइफ है उसमें सिर्फ 3 की पॉइंट्स हैं। पहला कि हॉस्टल लाइफ होती क्या है, भाई जब बंदा घर में ना रहे कॉलेज में रहे तो वो हॉस्टल लाइफ। अब उसके मेरिट्स क्या हैं और डी मेरिट्स क्या हैं। अब मेरिट्स के 4-5 आप पॉइंट्स बना लें, डी मेरिट्स के 4-5 पॉइंट्स आप बना लें, तो ये आपका पूरा मज़मून कवर हो जाता है, ये की पॉइंट्स हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद करना है पेपर से पहले, और कोशिश करें कि जो सवाल आपने पूरा साल नहीं देखे उन सवालात को टच ना करें, ख़ास बात। इसके बाद रीज़नेबल ब्रेकफास्ट आपने करना है। यहाँ ये ख़ास बात है कि नाश्ते में आपने कोशिश करना है कि हल्की ग़िज़ा लें और नॉर्मल तली हुई ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, जिससे सर भारी होता है, जो जूद हज़म नहीं होती, ऐसी आप खुराक ना लें। ब्रेकफास्ट में आप नॉर्मल सी ग़िज़ा खाएं और रीज़नेबल खाना खाएं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और हो सके तो पानी की बाटल के साथ ले जाएं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ख़ास बात समझें कि जो पढ़ने वाला बंदा है उसके पास पानी की बॉटल होती है और साथ कुछ नट्स होते हैं। नट्स से मुराद कुछ आप ये भुने हुए चने रख सकते हैं, कुछ बादाम रख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, ताकि जब आपको थोड़ी सी भूख महसूस हो तो आप वो थोड़ा सा खा लें और साथ पानी पिएं। याद रखें पानी जो है अगर आप ना पिए और पढ़ें तो उसे डिहाइड्रेशन होती है, लिहाजा कोशिश करनी है कि जब दिमागी काम किया जाए तो फिर पानी का इस्तेमाल अच्छा किया जाए। इसीलिए आपने फील किया होगा कि जब आप पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको प्यास भी लगती है, टेस्ट में आपको प्यास लगती है, तो अगर साथ एक बाटल ले जाए पानी की अच्छी बात है, तो नाश्ता भी ऐसा करेंगे जो ज़्यादा प्यास लगाने वाला ना हो। क्वेश्चन सीक्वेंस शुड बी बेस्ट, बेटर एंड गुड। अब हम आगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अब आपने ये करना है कि वहाँ जब पेपर सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि किस तरह से मार्जिन लगाते हैं, किस तरह से हमने क्वेश्चंस को लिखना होता है और कैसे हमने सफ़ों को चेंज करना होता है और क्या उसका पूरा मेथड है, सारा मैं नेक्स्ट आपको इसकी प्रेजेंटेशन दूंगा। तो अभी ये है कि आपने ख्याल रखना है कि जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस आपने याद किए हुए और आंसर आपको आते हैं पहले वो करें, फिर जो बेटर हैं वो बाद में, और जो गुड हैं वो एंड पे, और जो बैड हैं वो बिल्कुल एंड पे। और इसमें एक सीक्वेंस, कई जो माहिर हैं वो कहते हैं कि आप दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा सवाल आपको आता है वो आप सेकंड में करें, पहले आप एक अच्छा सवाल जो आपको आता है उसका कर लें और जो सबसे बेस्ट आपको आता है वो सेकंड नंबर पे करें, फिर उसके बाद आप आ जाएं जो जो आपको आते हैं उस तरह से, आप जो अच्छी तरह आपको सवाल आते हैं वो पहले करें। उसकी वजह ये होती है एग्जामिनर ने पेपर चेक करना होता है और 3-4 सवालों में अपनी साइकी बना लेता है किस बच्चे का लेवल क्या है, तो लिहाजा पहले जो सवाल आपने करने हैं वो जो आपको अच्छी तरह जवाब आते हैं वो वाले करें।
नीट एंड क्लीन पेपर दें, उसमें कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, रिमूविंग ना करें, लेड पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, खास बात है, नो एक्स्ट्राज। और शीट पे कहीं भी आपने अपना कहीं नाम या रोल नंबर नहीं लिखना, इससे चीटिंग का शायबा होता है, शक होता है एग्जामिनर्स को। तो आपने बड़ा साफ सुथरा पेपर देना है जिसमें सिर्फ सवाल है लिखे हुए हैं प्यारे प्यारे करके और जवाब लिखे हुए हैं। ये सारा आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे कि पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है। रिवाइज करें अपने पेपर को बाद में जब टाइम बचता है। कई बच्चे क्या करते हैं पेपर लिख के तो जब वो पेपर ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन पेपर दे के तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ना करें, कोशिश करें टाइम ज़्यादा गुजारें वहाँ पे। पेपर आपने कर लिया है तो आप उसको रिवाइज़ करें। आप हैरान रह जाएंगे जब आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, तो आप ख़ुद देखेंगे कि अच्छा ये मैंने तो ऐसे लिखा था, तो ये क्या है, आप फील करेंगे। और कहीं अगर एक्स्ट्रा लाइन देनी है आपने तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि आपने वहाँ एरो का निशान छोटा सा दे के तो नेक्स्ट उस फिर ब्रैकेट में आपने कुछ नई चीज़ लिख सकते हैं। और इस तरह से फिर आप पेपर को रिवाइज़ ज़रूर करें, अपना रोल नंबर चेक करें जो आपने लिखा है, अपना नाम चेक करें कहीं मिसिंग तो नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पेपर को पूरा मुकम्मल अटैम्प्ट करने के बाद एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है डोंट यूज़ लेड पेंसिल इन पेपर। ठीक हो गया, आपने डायाग्राम बनाने होते हैं, उन डायाग्राम को आप जो है वो बाकायदा पॉइंटर से बनाएं। और कोई डायाग्राम आपने लेबलिंग के बगैर नहीं करनी, हर डायाग्राम को आप प्रॉपर लेबल करें। लेबल का मतलब होता है कि उसमें ऐसे निशान लगा के तो आप बताएं कि ये इसकी ये वाली जगह है, इस जगह का ये नाम है, इस जगह का ये नाम है। ये आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं खास खास जिनका आपने ख्याल रखना है। बी रिस्पॉन्सिबल, टेक प्रेशर ऑफ योर पेपर्स। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी कि आप बिल्कुल केयरलेस ना हो, ये ना सोचें कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। नहीं, प्रेशर लें पेपर का और उस प्रेशर को फिर आपने रिजॉल्व करना है की पॉइंट्स को याद करके, खास बात। और कई माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो बच्चों के साथ पेपर देने से पहले उलझे ना। उलझने से मुराद होती है कि तुमने क्या याद किया, तुमने क्या करना है, तुमने क्या किया हुआ है, इससे आप परेशान होते हैं। जस्ट फोकस करें अपनी स्टडी पर और अपने की पॉइंट्स पर। तो प्रेशर लें और उस प्रेशर को की पॉइंट्स के ज़रिए रिजॉल्व करें और अपने जहन में दोहराएँ चीज़ों को। इस तरह से आपने ज़िम्मेदार बनना है और गैर ज़िम्मेदारी का आपने मुजहरा नहीं करना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि रिजॉल्व योर प्रेशर बाय स्टडी की पॉइंट्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया। सो दिस इज़ योर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप ये काम करेंगे तो आप अपने पेपर से पहले बड़ी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। और अहम बात कि आप ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार भी नहीं होंगे और आप केयरफुल भी रहेंगे। दिस इज़ योर टुडेज लेक्चर।